तमाम विवाद के बीच आज अररिया में लगे देश विरोधी नारे के मामले में नामजद तीसरे आरोपी ने भी कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि 13 मार्च को अररिया लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में आरजेडी की जीत के बाद एक वीडियो सामने आया था जिसमें कुछ लोग देश विरोधी नारे लगाते दिखे थे, जिसके बाद पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।